हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मेलोडीज। सो आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज का बड़ा ही शानदार स्नैक। सो बहुत ही लजीज एंड टेस्टी स्वाद होने वाला है इसका। सो इसके साथ में हम बनाएंगे वाइट सॉस, जो कि बहुत ही यमी सॉस होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक कैबेज। सो मीडियम साइज़ मैंने पत्ता गोभी ले लिया है। उसको मैंने क्या करना है, कद्दूकस की सहायता से कस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद में हमने इसमें एक टेबल स्पून नमक ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि पत्ता गोभी अपना जो पानी वो छोड़ सके। सो अभी हमने क्या करना है, हमने वेजिटेबल्स चॉप कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने लिए दो गार्लिक पीस, सो उनको बारीक करके मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया एक ऑनियन। सो ऑनियन को भी मैंने क्या किया है, सिंपली बारीक करके चॉप कर लेना है क्यूब शेप में। सो आपने भी सेम इसी तरह से ऑनियन को चॉप कर लेना है क्यूब शेप में। सो उसके बाद मैंने लिया पनीर। सो मैं यहाँ पर 100 ग्राम पनीर यूज़ कर रहा हूँ। सो पनीर को मैंने क्या किया, कद्दूकस की सहायता से कस लिया है। इसके बाद लेना है पैन, पैन को करना है गरम। सो एक से दो चम्मच हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऑनियन लिए, ऑनियन को मैंने इसमें सेमी फ्राई कर लेना है। सो थोड़ा सा ऑनियन को चलाने के बाद इसमें ऐड करना है पनीर, जो हमने अभी ग्राइंड करके रखा था पनीर वो ऐड कर देना है। इसे थोड़ा सा चला लेना है। चलाने के बाद में हमने इसमें ऐड करना है ओरिगैनो और चिल्ली फ्लैक्स। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच ओरिगैनो और आधा चम्मच चिल्ली फ्लैक्स यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद में हमने इसे हल्का सा चला लेना है, और चलाने के बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा हमने साल्ट ऐड कर देना है, नमक। सो नमक हमने यहाँ पर बहुत ही कम ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले पत्ता गोभी में भी नमक ऐड किया था। सो अभी देख सकते हैं गाइस, जो पत्ता गोभी है वो पानी अपना छोड़ चुकी है। अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। इसका जैसे ही पत्ता गोभी का पानी निचोड़ जाता है, उसके बाद में हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है ब्रेड स्क्रम्स। सो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ब्रेड स्क्रम्स जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो अभी मसाला रेडी किया था प्याज और पनीर का, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है ऊपर से, और इसको करना है अभी हमने मिक्स। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। सो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मुझे ऐड करना है। उसके बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, लाइक दिस। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने इसको अभी एक शेप देनी है। सो आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, या फिर आप इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर राउंड शेप इसको दे दी है। सो इसी तरह से बाकी की स्टफिंग के भी हमने रेडी कर लेना है। सो अभी हमने क्या करना है, हमने लेना है कॉर्नफ्लोर। सो 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने फिर से लेना है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सो इसको थोड़ा हमने थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, अभी जो हमने यहाँ पर स्नैक्स रेडी किए हैं, अभी हमने इसको इसमें अच्छे से डुबो लेना है, दैट मीन्स इसको अच्छे से गीला कर लेना है। और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वह है ब्रेड स्क्रम्स। सो ब्रेड स्क्रम्स में इसको अच्छे से लपेट लेना है, एक लेयर हमने क्रिएट कर देनी है इसकी, लाइक दिस, आप देख सकते हैं। सो अच्छे से इसकी लेयर क्रिएट कर देनी है हमने स्क्रम्स की। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी हम करेंगे इसको फ्राई। सो गाइज, हमने ये डीप फ्राई नहीं करना है, हमने इसको जो फ्राई करना है वो हल्के से ही ऑयल में फ्राई करना है। सो मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में ऐड कर दिया है। सो अभी मैंने क्या करना है, इसमें इसे फ्राई करना है। तो इनको पलटते रहना है हमें। सो हमें इनको बार बार पलटते रहना होगा, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक सकें। सो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इनको मीडियम फ्लेम पर। मीडियम से भी लो फ्लेम आपको रखनी है, उसमें हमने इसे सेकना है अच्छे से। सो गाइस, स्नैक्स आपके ऑलमोस्ट रेडी हैं, अभी हमने इनको निकाल लेना है। और अभी हमने क्या करना है, हमने इसके साथ में सॉस रेडी करनी है, वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने लिया एक खीरा। सो खीरे को बिना छीले मैंने कद्दूकस कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे आधा खीरा लिया है, आधे खीरे को कद्दूकस कर लिया बिना छिले। उसके बाद क्या करना है, इसका जो पानी होता है वो हमने अच्छे से निचोड़ लेना है, इसका सारा पानी हमने निकाल देना है।
सिंपली गाइज मैंने अभी करना है पैन गरम, सो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और उसमें आधा चम्मच बटर ऐड करके जो मैंने गार्लिक चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देना है, और जो मैंने खीरा अभी ग्राइंड किया था कसा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो इसको 40 से 50 सेकंड के लिए हमने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर, उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। देन अभी हमने क्या करना है, हमने काटना है धनिया, सो हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, मैंने इसको बारीक करके चॉप कर लिया है। सो चॉप करने के बाद एक बाउल में दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर देनी है। सो दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद ऊपर से इसमें ऐड करनी है मेयोनीज, सो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मेयोनीज जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद में ऊपर से मैंने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, सो मैंने यहाँ पर एक चुटकी सॉल्ट ऊपर से ऐड कर दिया है और साथ ही 1 से 2 चुटकी मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया। सो व्हाइट सॉस बनकर आपकी रेडी है गाइस। अभी हम स्नैक्स को सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं गाइस। सो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव।